हेलो एवरीवन, मैं इस टाइम जो DIY आपके साथ शेयर करती हूँ वो हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड होते हैं। सो मैं नया DIY आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस फेस्टिवल के लिए। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है, कुछ कलर लिए हैं मैंने यहाँ पे, और ये बीड्स वगैरह लिए हैं। सो सबसे पहले क्या करूँगी मैं, जो हमारा स्वास्तिक होता है उसको एक पेपर पे, यानी कि A4 साइज़ पे मैं उसको रफली ड्रॉ कर रही हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है। सो इस दिवाली के लिए फ्रेंड्स मैं सारी चीज़ें जो है वो अपने घर पे ही बना रही हूँ, बाहर से मुझे कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस स्वास्तिक जो है इसको कार्बन की हेल्प से कार्डबोर्ड पे मैं ड्रॉ कर लूँगी। मैं जो ज़्यादातर DIY शेयर आप लोगों के साथ कर रही हूँ वो कार्डबोर्ड पे, क्योंकि मेरे घर में कार्डबोर्ड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हूँ। सो इसलिए कार्डबोर्ड बहुत ज़्यादा है हमारे घर में। अब इस कार्डबोर्ड से इस वास्ते को कट कर लेंगे हम लोग यहाँ सीजर की हेल्प से। थोड़ा सेफली हमें कट करना है, क्योंकि एज जो है, आप चाहें तो पेपर कटर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एज वगैरह है उनको केयरफुली यहाँ पे कट करना है। अब इसके बाद क्या करूँगी मैं, यहाँ पे रेड कलर कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे, कि जब भी आप एक्रेलिक कलर वगैरह कार्डबोर्ड पे यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट उसको डबल कोटिंग ज़रूर दीजिएगा एक अच्छी फिनिशिंग के लिए, क्योंकि उससे जो है हमारा काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो मैं हमेशा डबल कोट ही करती हूँ। इसके बाद क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मिरर लगा रही हूँ सेंटर में, और आउट बाउंड्री के लिए येलो कलर यूज़ करती हूँ। हमेशा रेड, येलो, ग्रीन कलर हम जब भी यूज़ करते हैं फ्रेंड, वो हमारे ट्रेडिशनल कलर होते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा बनता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। सो यहाँ पे मैंने इस मिरर की साइड में ये जो रेड कलर के मेरे पास छोटे छोटे स्टोन थे उनको लगाया है मैंने यहाँ पे, और साइड में ये बीड्स लगाए हैं। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक आउट बाउंड्री भी बना रही हूँ येलो कलर से, तो कुछ इस टाइप से मैंने बनाया है यहाँ पे। आप चाहें तो कोई भी कलर अपनी चॉइस से यूज़ कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर येलो, ग्रीन, रेड ही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। सो यहाँ पे भी मैं एक डिज़ाइन दे रही हूँ चारों कॉर्नर के ऊपर कुछ इस टाइप से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे भी कुछ बीड्स लगा रही हूँ वाइट कलर के, एकदम छोटे छोटे से जो मेरे पास हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हमें छोटे वाले जो स्टोन हैं उनको कैसे उठा के प्लेस करना है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन भी क्रिएट कर रही हूँ। इसके बाद मेरे पास ये गोल्डन कलर है, यहाँ पे मैं गोल्डन, जो मेरे पास स्टोन थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो मैं यहाँ पे गोल्डन डॉट लगा रही हूँ सिंपली इस कलर के थ्रू। सो फ्रेंड्स मेरा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में तो मैंने यहाँ पे जो है वो दो स्वास्तिक बनाए हैं अपने मेन डोर के लिए, तो कुछ इस टाइप से मैंने दोनों को सेम पैटर्न में डिज़ाइन कर लिया है यहाँ पे। तो मैं कुछ इस टाइप से, आप चाहे अपनी चॉइस से इनको कैसे भी लगा सकते हैं। मैंने लास्ट जो DIY बताया था शुभ लाभ का, मैं उनके साथ इसको इस टाइप से भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस टाइप से इनको लगाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरे DIY पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।